बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वेलकम बैक टू यू एस विल डिस्कस अबाउट द कल्चर मीडिया प्योर कल्चर टेक्निक और पोर प्लेट टेक्निक Heading से हमें समझ रही है कि इसमें क्या हो रहा है कि वो बोले प्लेट में कुछ और करेंगे, कोई भी मिक्सचर हमारे पास उसको क्या करेंगे प्लेट में हम क्या ऊंडेलेंगे और माइक्रोब्स पर ग्राम इन स्पेसिमन हमारे पास कोई स्पेसिमन है कोई मिक्सचर है उसके अंदर कितने माइक्रोब्स हैं एक मिलीलीटर के अंदर या कितने माइक्रोब्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ग्राम के अंदर उनके नंबर का पता लगाने के लिए हम पोर प्लेट टेक्निक इस्तेमाल करते हैं पोर प्लेट टेक्निक एक तरकीब ऐसी तरकीब है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं नंबर का पता लगाने के लिए अगर हमारे पास ग्राम में है स्पेसिमन या फिर मिलीलीटर में है तो उसमें कितने माइक्रोब्स हैं कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी नंबरिंग का उनकी तादाद का पता लगाने के लिए हम पोर प्लेट टेक्निक इस्तेमाल करते हैं इट हैज द एडवांटेज ऑफ नॉट रिक्वायरिंग प्रीवियसली प्रिपेयर्ड प्लेट्स कहते हैं इसको एक फायदा है कि क्या होता है कि इसमें पहले से बनाई हुई प्लेट जो है वो इस्तेमाल नहीं होती या वो नहीं चाहिए होती

पोर प्लेट टेक्निक उसके परपज उसके मकसद क्या है सबसे पहले अगर हमारे पास स्पेसिमेन ना ग्राम में है या फिर मिलीलीटर में है उसके अंदर कितने माइक्रोब है कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके नंबर का पता लगाना और सेकंडली क्या होता है इसके एक फायदा हासिल है कि इसमें प्रीवियसली पहले से प्रिपेयर की हुई प्लेट जो होते हैं वो उसकी जरूरत नहीं होती वो रिक्वायर्ड नहीं होती थर्डली इसमें क्या बता रहे हैं जी ये कहाँ इस्तेमाल होती है ये वाली टेक्निक जो हमारे पास खाने की अशिया होती है फूड होती है खुराक होती है उसके अंदर हम बैक्टीरिया की आलूदगी की जांच पड़ताल करने के लिए पोर प्लेट टेक्निक इस्तेमाल करते हैं अगर इसका प्रोसीजर देखें तो प्रोसीजर में क्या कह रहे हैं जी द प्रिंसिपल स्टेप्स आर टू इसमें जो प्रिंसिपल स्टेप्स है वो क्या है जी सबसे पहले प्रिपेयर डाइल्यूट द सैंपल जो सैंपल है हमारे पास उसको डाइल्यूट करना है उसमें पानी ऐड करना है सेकेंडली इसमें क्या है जी प्लेस एन एलिकोट ऑफ द डाइल्यूटेड सैंपल इन एन एम्पटी स्टीरा प्लेट एम्प

सेल्सियस जो पैंतालीस डिग्री पे क्या हो कूलो स्वीड टू मिक्स वेल उसको स्वीर करना है अच्छे से शेक करना है घुमाना है ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए हल हो जाए पॉइंट फोर लेट कूल अनडिस्ट्रीब उसको, होने के लिए छोड़ देना है? उसको आ, आ, हिलाना नहीं है टेबल की जैसे टॉप होती क्या मतलब हमवार से सतह जो होगी उसके ऊपर उसको solidify होने के लिए हमने छोड़ देना है उसको डिस्टर्ब नहीं करना एंड इनक्यूबेट टू कॉलोनीज क्या करना है उसको इनवर्ट करना इनक्यूबेट करना है छोड़ देना है कॉलोनीज बनने के लिए उसको कुछ टाइम के लिए हमने छोड़ देना है सोलडिफाई होने देना है ताकि उसमें जितने भी बैक्टीरियल कॉलोनीज है वो सेपरेट सेपरेट हो जाए उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सके रिप्रेजेंट फार्मिंग यूनिट यूनिट अब हर वो एक को रिप्रेजेंट कर रही होगी कलोनी फार्मिंग यूनिट को रिप्रेजेंट कर रही होगी कलोनी फार्मिंग यूनिट की निशानदेही कर रही होगी फॉर अपिम एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट एक एक्यूरेसी लेने के लिए सही मालूम करने के लिए कि एक प्लेट में कितनी है द्रेफर टोटल सी एफ यू सी एफ यू स्टैंड फॉर कलोनी फार्मिंग यूनिट पर प्लेट इज बिटवीन थर्टी टू थ्री हंड्रेड कलोनीज पर प्लेट कहते हैं अगर हमें ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए ज्यादा हमें उसमें वो ठीक तादाद में हमें चाहिए प्रोडक्शन अगर उसमें हमें चाहिए ठीक है तो वो कहते हैं कि वो हमें एक्यूरेसी उसी सूरत में मिल सकती है कि जब एक प्लेट के ऊपर कम ज्यादा से ज्यादा भी अगर हम करें तो 30 से 300 के दरमियान में ही कॉलोनीज रहें अगर इससे ज्यादा होगी तो वो फिर रिजल्ट हमारे पास एक्यूरेट नहीं आएगा एक प्लेट पे इतना हम डालें कि उसमें मैक्सिमम ज़्यादा से ज्यादा भी हो तो वो थर्टी टू थ्री हंड्रेड रहे इससे ज्यादा ना हो तो अच्छी एक्यूरेसी हमें मिलेगी नेक्स्ट इसके बाद क्या कह रहे हैं जी इसके बाद आप डायग्राम उन्होंने दिखाया, ठीक है थीका? आप डायग्राम में बेसिकली वो क्या बता रहे हैं जी हमारे पास जो फोर प्लेट मेथड है इसमें क्या किया उन्होंने हमारे पास पैट्री डिश है इसके अंदर उन्होंने स्पेसिमन रखे है स्पेसिमन के साथ इन आ, हमारे पास एक लूप है जी सैंपल इज पिपिट गया है उसमें उसने पेपर के थ्रू सैंपल रखे है सेकेंड पॉइंट में क्या करे स्टेराइल मीडियम इज एडेड एंड मिक्सड वेल विद ओक्यूलम इन ओक्यूलम के थ्रू क्या करना है उसको मिक्स वेल करना है उसमें एड करना है स्टेरायल मीडियम उसके बाद इनक्यूबेशन कर देनी है उसकी उसके बाद देख ले जी इसमें क्या है जी कलोनीज सेपरेट हो गई है सर्फेस कलोनीज है सब सर्फेस कलोनीज है टिपिकल पोर प्लेट रिजल्ट्स हमारे पास आ गए जी कॉलोनीज एक दूसरे से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कंटेमिनेशन है वो एक दूसरे से सेपरेट हो गया और सेपरेट होकर डिपोजिशन करके उन्होंने सेपरेट सेपरेट कॉलोनीज बना दिया कॉलोनी फार्मिंग यूनिट हो गया ठीक है जी नेक्स्ट उसके बाद क्या कह रहे हैं जी इसमें हमारे पास डिसएडवांटेज क्या आते हैं वन डिसएडवांटेज ऑफ पोर प्लेट इज दैट एम्बेडेड कॉलोनीज विल बी मच स्मॉलर देन दोस व्हिच हैपन टू बी ऑन द सरफेस कहते हैं इसका एक नुकसान है क्या पोर प्लेट टेक्निक में क्या होता है इज दैट एम्बेडेड कॉलोनीज विल बी मच स्मॉलर कहते हैं जो एम्बेडेड कॉलोनीज है जो नीचे दबी हुई हैं सरफेस कॉलोनीज के नीचे जो दबी हुई हैं वो क्या होगी वो बहुत ज्यादा स्मॉल होंगी छोटी होगी एंड मस्ट बी केयरफुली स्कोर्ड सो दैट नन आर ओवरलुक्ड तो उनको स्कोर्ड करना उसको काउंट करना टफ हो जाता है इस तरह से एक्यूरेसी जो होती है वो कम हो जाती है जब 300 से ज्यादा कॉलोनीज आ जाती हैं एक प्लेट पे तो क्या होती है हमें नहीं पता कि 300 से ऊपर जो लूनिज है वो कहा है मतलब वो एक दूसरे के नीचे एम्बेडेड हो गई है नीचे एक दूसरे के नीचे दब गई है जिसकी वजह से वो ओवर लुक्ड हो जाती हैं वो काउंट में नहीं आती सो ओब्लिगेट एरोब्स में ग्रो कहते हैं जो ओब्लिगेट एरोब्स होते हैं एरोबिक एंड एन एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप लोगों ने पढ़ा होगा एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस रेस्पिरेशन करते हैं वो होते हैं जी ओब्लिगेट वो पबंध होते हैं एरोब्स के मीन के उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है रेस्पिरेशन के लिए मे ग्रो पोरली वो क्या कहते हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं करते इफ डीपली एम्बेडेड इन द एगर अगर वो अगर के अंदर बहुत नीचे एम्बेडेड हो जाते बहुत नीचे दब जाते हैं तो उनको सही से ऑक्सीजन नहीं मिलती जिसकी वजह से वो क्या होता है रेस्पिरेशन नहीं कर सकते तो इस तरह से उनकी ग्रोथ जो होती है वो पोर हो जाती है नेक्स्ट सेकंड टेक्निक हमारे पास आ जाती है थर्ड टेक्निक्लेट टेक्निक हमें नाम से पता चल रहा है कि प्लेट के ऊपर हम स्पेसिमन अपना रखेंगे और उसको क्या करेंगे सेपरेट कर देंगे फैला देंगे बाय मींस ऑफ अ ट्रांसफर ट्रांसफर लूप लूप के जरिए से क्या होता है जी पोर्शन ऑफ बैक्टीरियल स्पेसिमन जो बैक्टेरियल स्पेसिमन है बैक्टीरिया का जो मिक्सर है उसका एक पोर्शन एक हिस्सा क्या करेंगे इज ओवर द ऑफ अ सॉलिड मीडियम हम वार सतह का ठोस सतह का जो मीडियम है उसकी सतह पे हम क्या करेंगे उसके सर्फेस पे क्या करेंगे हम बैक्टीरिया का जो मिक्सर है जो स्पेसिमेन है उसको स्प्रेड कर देंगे फैला देंगे आफ्टर अप्रोप्रिएट इनक्यूबेशन कुछ आ, कुछ टाइम के बाद क्या होगा ग्रोथ फ्रॉम ईच कल्चर शुड बी चेक हर कल्चर से हम ग्रोथ को क्या करेंगे चेक चेक करेंगे माइक्रोस्कोपिकली माइक्रोस्कोप के थ्रू एंड कल्चरली टू वेरीफाई दैट इट अ प्योर कल्चर उसको हम चेक करेंगे कि वो प्योर कल्चर है उसकी वेरिफिकेशन करेंगे उसको कंफर्म करेंगे

एडवांटेज इसका क्या है मिनिमल अमाउंट इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड कहते हैं इसमें जो इक्विपमेंट हमें चाहिए होते हैं वो बहुत है कम रिक्वायर्ड होते हैं बहुत काम चाहिए होते हैं फोर्थ पे हमारे पास आ जाता है एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक नाम से हमें पता चल रहा है कि वो वाले कल्चर टेक्निक जिसमें एनरिचमेंट होगी जो भरी हुई होगी जिसमें ज्यादा होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनरिचमेंट कल्चर्स आर जनरली यूज्ड व्हेन द टाइप ऑफ बैक्टीरियम टू बी आइसोलेटेड इज प्रेजेंट रेलिटिवली स्मॉल नंबर एंड ग्रोज मोर स्लोली देन मैनी अदर स्पीशीज इन दूलम इन ओक्यूलम में बहुत सारी फॉर एग्जाम्पल ओक्यूलम इन ओक्यूलम में क्या है जी दस हमारे पास कॉलोनीज है ठीक है लेकिन हमें कौन सी चाहिए हमें एक कॉलोनीज चाहिए अब एक के साथ नाइन कॉलोनीज और है ठीक है तो वो जो कॉलोनी हमें चाहिए उसको जारी सी बात है न्यूट्रंट का मिल रहा होगा उसकी ग्रोथ कम हो रही होगी तो कहते हैं कि उसका ग्रोथ जो होगी उसकी ग्रोथ दूसरों के निष्बत क्या होगी कम होगी ठीक है तो कहते हैं एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक जो है वो जनरली आमतौर पर कहाँ इस्तेमाल होती है कब इस्तेमाल होती है जब हमारे पास बैक्टीरिया की वो वाली किस्म होती है जिसको हमने आइसोलेट करना होता है सेपरेट करना होता है इन द रिलेटिवली स्मॉल नंबर जो सबसे कम होगी दस है तो दस में से सबसे कम जिसके नंबर हो गए हमने उसको सेपरेट करना है तो जाहिर सी बात है जिसकी ग्रोथ सबसे कम होगी उसी के नंबर सबसे कम होंगे और उसको हम एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक से सेपरेट कर लेंगे